Hello folks, welcome to ICM. Today we are in Kochi, the queen of Arabian Sea and the beautiful city of God's very own country, Kerala, with a car that deserves everybody's attention. Ladies and gentlemen, we present to you the all new Tata Nexon. So the first thing first, iska name, agar aap abhi tak ise Nexon bula rahe the, to aap galat hain kyunki Tata Motors ke hisab se iska sahi pronunciation hai Nexon, jo ki next on ka short form hai aur jo signify karta hai next level of things ko. Kya hai wo next level of things aur kya ye apne closest comparators Vitara, Brezza aur EcoSport ko competition de sakti hai? Time to find out. इम्पैक्ट डिज़ाइन फिलोसफी, नाम तो सुना ही होगा आपने. आखिरकार टाटा मोटर्स की सभी न्यू जनरेशन मॉडल्स इसी डिज़ाइन लैंग्वेज से बने हैं और सही मायने में इस डिज़ाइन लैंग्वेज ने लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट भी किया है, जो कि थोड़ा नेगेटिव हो गया था इंडिका और इंडिगो डिज़ाइन के ओवरडोज से. नाउ जस्ट लुक एट द फ्रंट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लगता है और उसकी वजह है ये हनीकॉम ग्रिल जो काफ़ी ब्रॉड है और इसमें ये पियानो फिनिश भी दिया हुआ है और इसके साथ आपको टाटा मोटर्स की ये सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन भी दी गई है जो इसे काफ़ी अच्छा सा लुक दे रही है. उसके अलावा अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो हेडलैम्प्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं बिकॉज ऑफ सटल क्रोम एलिमेंट्स इनसाइड इट. और उसके अलावा आपको डी कट शेप में LED यूनिट भी दी गई है. ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सीमलेसली इस पूरी ग्रिल में ये मर्ज हो जाते हैं. सो दैट्स अ रियली रियली पॉजिटिव पॉइंट विद दिस कार. उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये जो ए डैम है ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा है, जो इसके ब्रॉड प्रोफाइल को मैच कर रहा है. और यहाँ पे आप देखेंगे फॉग लैम्प थोड़ी अलग तरीके की है, ये सिरेमिक वाइट पट्टी इसमें दी हुई है जो इसे काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, तो ये डुअल टोन शेड में आपको मिलेगा. मूव करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में और साइड प्रोफाइल गाड़ी का बहुत ही प्रोपोर्शन लगता है, अनलाइक सम ऑफ इट्स राइवल्स. अगर आप कुछ एलिमेंट्स जो हमें इंटरेस्टिंग लगे हैं वो देखेंगे तो ये है ये प्रोमिनेंट व्हील आर्चेस, जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. ये बड़े प्रोफाइल के टायर्स हैं, रोड पे भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और इन्हें डायमंड कट शेप दी गई है जो इसे काफ़ी स्टैंड आउट अपील देती है अगर आप रोड पे इस गाड़ी को देखेंगे. उसके अलावा ये जो सिरेमिक वाइट लाइन आप देख रहे हैं ये काफ़ी अलग लगती है, ये बहुत ही अच्छे मटेरियल की भी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो इस गाड़ी को थोड़ा अलग लुक देती है इन द सी ऑफ कॉम्पैक्ट SUVs. अगर आप ये रूफ लाइन देखेंगे तो रूफ लाइन ये कूपे शेप में दी गई है जो इसे बहुत ही अलग बनाती है इसके राइवल से. अब बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की और ये हमें थोड़ा बिजी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आपको इस पूरे एरिया में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है ये कुछ लोगों को उतना पसंद ना आए पर ये बहुत से लोगों को पसंद भी आ रहा है. नॉनदलेस ये एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप लगता है. अगर आप कुछ एलिमेंट्स की बात करें जो रेयर में आपको मिलते हैं वो ये सिरेमिक जो आपने पट्टी देखी है, ये जो लाइन है, ये प्लास्टिक एरिया ये साइड में भी है गाड़ी के और ये पीछे भी दिया गया है. उसके जस्ट नीचे ये जो प्लास्टिक है ये ग्लॉसी प्लास्टिक ब्लैक कलर में दिया गया है और ये बॉडी कलर में है, तो ये ट्रिपल टोन टाइप आपको फील दे रही है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, गाड़ी का इंटीरियर. और कोई भी गाड़ी सेगमेंट में, आई से इट अगेन, कोई भी गाड़ी सेगमेंट में Nexon की क्वालिटी और फील को मैच नहीं कर सकती है. अगर आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, बहुत ही टफ लग रहा है, कहीं पे भी रफ एजेस नहीं है. उसके जस्ट नीचे ये ग्लॉसी फिनिश में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में प्लास्टिक दिया हुआ है, ये काफ़ी प्रीमियम फील इस गाड़ी को दे रहा है. उसके अलावा ये जो सेम ग्लॉसी प्लास्टिक है वो आपको गाड़ी के डोर पर भी मिलेगा जो इसे बहुत ही अच्छा फील दे रहा है. क्रोम एलिमेंट्स भी कुछ जगह पर यूज़ हुए हैं, स्पेशली ये जो आप डोर हैंडल देख रहे हैं, इनसाइड डोर हैंडल इसमें यूज़ हुआ है. AC वेंट से चारों तरफ
यूज हुआ है क्रोम एलिमेंट। इसके अलावा बटन्स पे भी आपको ये कुछ जगह मिल जाएगा। अगर गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये वही यूनिट है जो आपको टियागो और टिगोर में मिलता है, और ये कोई बुरी चीज भी नहीं है क्योंकि ये काफी स्पोर्टी लगता है एंड इट्स वेरी गुड टू होल्ड। उसके अलावा जो एक चीज जिसने हमें काफी इंप्रेस किया है वो ये फ्लोटिंग टाइप डिजाइन में दिया हुआ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो 6.5 इंच की HD क्वालिटी के टच स्क्रीन के साथ में आता है। ये बहुत ही इजी टू ऑपरेट है और आंखों को बिल्कुल नहीं चुभता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी आपको HD क्वालिटी का टच स्क्रीन नहीं ऑफर करती है। और जो गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हार्मन सपोर्टेड है, 8 स्पीकर्स के साथ में आता है, और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो एंड्रॉइड और एप्पल फोन्स दोनों को सपोर्ट करेगी। या तो आपको इस सेगमेंट में गाड़ी जो मिलेगी वो एप्पल कार के साथ में मिलती है या फिर मिरर लिंक के साथ में मिलती है। एक जो चीज़ इसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है इस गाड़ी में वो है इसका सेंटर कंसोल। ये सेंटर कंसोल यूनिट बहुत ही प्रीमियम गाड़ियों की आपको याद दिलाएगी, स्पेशली क्योंकि इसमें स्लाइडर दिया हुआ है, और जो सारे के सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं वो बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं कुछ, तो ये बहुत ही बड़ा यूनिट, बड़ा स्टोरेज एरिया बन जाता है। उसके अलावा ग्लव बॉक्स की बात करेंगे, आई थिंक ये इस सेगमेंट के ऊपर की गाड़ियों से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें सामान आ जाता है। इसके अलावा आप इसमें दी हुई जो ट्रे है इस ट्रे को भी हटा सकते हैं और ये स्पेस और बड़ा हो गया है। डेफिनेटली ये इस सेगमेंट में तो सबसे बड़ा है ही, उससे ऊपर वाले सेगमेंट में भी आपको इतना बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी के फ्रंट सीट्स की बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा खासा लेग रूम आपको मिलता है, नी रूम भी काफ़ी अच्छा है, और ये साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, सीट आपको बहुत अच्छे से होल्ड करती है। अगर आपकी हाइट 6 फुट से भी ज़्यादा है तो भी हेडरूम आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। पर एक जो कमी इस गाड़ी में हमें देखने को मिली है वो इसका थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, क्योंकि सीट की शेप जो है वो थोड़ी सी यहाँ से उठी हुई है, इस वजह से इसका थाई सपोर्ट थोड़ा कम लगता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। अगर आप सीटिंग पोजीशन की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी है SUVs के हिसाब से। ऑल्दो ये कॉम्पैक्ट SUV है पर आपको बहुत ही कमांडिंग व्यू मिलता है, यू सिट प्रिटी हाई इन दिस कार। उसके अलावा आप ये जो स्टेयरिंग है इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑल्दो रीच वाइज टेलीस्कोपिकली ये एडजस्ट नहीं होगी। अगर रियर सीट्स की बात करें तो रियर सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट जो मुझे आगे एक कमी लगी थी कि थाई सपोर्ट फ्रंट सीट्स में कम था, वो इसमें बहुत अच्छा है। इस गाड़ी को अगर आप शॉफर ड्रिवन कार के जैसे भी रखना चाहें जिसमें आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, तो ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। और उस कंफर्ट को बढ़ाने में एक और चीज़ मदद करेगी, वो है ये सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स भी हैं, 2 कप्स यहाँ पर रख सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा है, दोनों लोग ईजिली अपने आर्म यहाँ पर रख सकते हैं। पर ये जो गाड़ी है वो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए ठीक रहेगी, बीच में एट बेस्ट एक छोटा बच्चा है या कोई कम हाइट का अगर कोई बंदा है तो उसके लिए ठीक रहेगी। अदरवाइज ये सिर्फ 2 ही लोगों के लिए कंफर्टेबल है। नी रूम आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, लेग रूम भी काफी अच्छा है गाड़ी का। आप अगर गाड़ी को बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा स्लोप टाइप है गाड़ी, क्योंकि कूपे स्टाइल में इसे डिजाइन किया गया है। और उसके बाद भी अगर आप हेडरूम देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट जब इस गाड़ी में कोई 6 फुट से ऊपर का बंदा भी अगर बैठेगा तो उसके लिए भी हेडरूम काफ़ी अच्छा, तो ये काबिले तारीफ काम किया गया है। एक और चीज़ जो कंफर्ट को थोड़ा बढ़ाती है वो ये रेयर एसी वेंट्स आपको बहुत सारी गाड़ियों में मिलेंगे, पर यहाँ पर आप इसका जो एयर फ्लो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स अ स्मार्ट मूव। अगर फीचर्स की बात करें तो टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट में सबसे लोडेड कार्स में से एक है। पावर एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल विंग मिरर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा, हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 8 स्पीकर्स, ऑक्सिन, USB एंड ब्लूटूथ सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 2 12V पावर सॉकेट्स जैसे कई फीचर्स के साथ कंपनी ने इसमें एक फिटनेस बैंड के जैसे देखने वाली डुप्लीकेट की भी दी है, जिससे आप गाड़ी खोल या बंद कर सकते हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISO फिक्स्ड चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। ऑल्दो नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट कार है, पर ये आपको इनफ बूट स्पेस भी देती है। इसकी बूट कैपेसिटी 350 लीटर है, जो कि मारुति विटारा ब्रेज़ा और फोर्ड इकोस्पोर्ट दोनों से ज्यादा है। और अगर आपको स्पेस और चाहिए तो आप इसकी सेकंड रो ऑफ सीट्स को फोल्ड करके बूट स्पेस को अप टू 690 लीटर बढ़ा सकते हैं, एंड दैट्स मैसिव फॉर अ कॉम्पैक्ट कार। सो एक्सटीरियर इंप्रेसिव, इंटीरियर इवन मोर इंप्रेसिव, पर क्या ये परफॉर्मेंस के हिसाब से इंप्रेस कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट।
नेक्सॉन दो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, दोनों में ही टर्बोचार्जर लगा है, दोनों ही 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में आती है और दोनों की ही मैक्सिमम पावर 110 हॉर्स पावर के बराबर है। पर जहां एक 1.2 लीटर 3-cylinder पेट्रोल यूनिट है जिसकी मैक्सिमम टॉर्क 170 न्यूटन मीटर्स है, वहीं जो डीजल इंजन है वो 1.5 लीटर इंजन है, 4-cylinder है और इसकी मैक्सिमम टॉर्क 216 न्यूटन मीटर्स है। तो ऑन पेपर ये अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी है, दोनों ही पेट्रोल और डीजल, पर रियल लाइफ में ये कैसी है वही पता लगाने के लिए आज हम आए हैं कोची में। तो पहले बात करते हैं गाड़ी के पेट्रोल इंजन की, क्योंकि एक 3-cylinder इंजन है तो आपको लैग डेफिनेटली फील होगा। इनफैक्ट 2000 RPM से नीचे गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर आपको फील नहीं होगी। हाँ, आप सिटी में चला सकते हैं पर आपको फ्रीक्वेंटली गियर्स चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सडनली पावर मिलने लग जाती है। और अगर आप फ्लैट रोड्स पर हैं तो वहाँ पर आप उस सडन सर्ज ऑफ पावर को इंस्टेंटली फील कर सकते हैं। अगर आप हिली एरिया में हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सेलरेट करते रहना होगा टू कीप अप विद द पेस, मोमेंटम बनाने के लिए। तो सिटी के हिसाब से ठीक है, बस आपको गियर्स फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते रहने पड़ेंगे। गाड़ी की मिड रेंज काफ़ी इंप्रेसिव है, इनफैक्ट 4500 RPM तक आपके पास इनफ पावर है अक्रॉस ऑल द गियर्स। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है सभी गियर्स में, जैसे कि हमने बताया कि इंजन में पावर बहुत है। आपको बता दें कि इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, एको, सिटी और स्पोर्ट। स्पोर्ट वो मोड है जिसमें आपको ये थोड़ा पेपी परफॉर्मेंस देता है। गाड़ी के थर्ड और फोर्थ गियर काफ़ी टॉल हैं, इनफैक्ट आप थर्ड गियर में इस गाड़ी को ईजिली 120 kmph तक ले जा सकते हैं। पर अगर आपको गाड़ी को कंफर्टेबली इंजॉय करना हो हाईवेज पे तो आप इसे फिफ्थ या सिक्स गियर में लगाइए। तकरीबन 2500 RPM पर अगर आप चला रहे हैं तो गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है 100 kmph स्पीड तक। अब हम चला रहे हैं गाड़ी का डीजल इंजन एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज फार सुपीरियर देन द पेट्रोल इंजन। ये इंजन जेन्युइनली काफ़ी पेपी है और लैग ना के बराबर है, और एक डीजल इंजन के होते हुए भी ये काफ़ी स्मूथ है। रिफाइनमेंट लेवल इस इंजन का काबिले तारीफ है और पावर डिलीवरी के मामले में भी ये इंजन ज़्यादा अच्छा है, पावर ज़्यादा अच्छे से डिलीवर होती है। गियर रेशियोज़ की भी बात करें तो गियर रेशियोज़ भी इस इंजन के बहुत अच्छे हैं। डीजल इंजन की भी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी मिड रेंज है, पर इसकी जो परफॉर्मेंस लोअर आरपीएम पर भी है वो बहुत अच्छी है। आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं इसे सिटी में। अगर आप चला रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इंजन में आपको बार बार गियर्स नहीं चेंज करने होंगे। आप इनफैक्ट थर्ड गियर में या सेकंड गियर में भी अगर आप बहुत ही कम स्पीड पे चल रहे हैं, मान लीजिए आप 10-20 स्पीड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इजीली चला सकते हैं स्टॉप एंड गो सिचुएशन में। एंड दैट्स अ ग्रेट ग्रेट एट्रीब्यूट टू हैव इन अ डीजल इंजन। अगर आपने रिसेंटली कोई भी टाटा की गाड़ी चलाई है तो आपको स्टीयरिंग फीडबैक हो सकता है कि उतना अच्छा ना लगे, पर टाटा नेक्सॉन उस मामले में काबिले तारीफ है, बहुत ही इंप्रेस करने वाली है ये आपको स्टीयरिंग फीडबैक के मामले में। अगर सस्पेंशन की बात करें तो वो टाटा मोटर्स की हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है। इनकी जो भी गाड़ी आप चलाएंगे उसमें सस्पेंशन बहुत ही शानदार होता है, हर तरीके के अंडुलेशन, ब्रोकन रोड्स को वो ईजिली टैकल कर रहे थे, आपको अंदर बहुत कम फील होता है। सेम आपको नेक्सॉन में भी मिलने वाला है, एंड इट्स इवन बेटर क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 209 mm का है। इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा इस सेगमेंट की। तो अगर आप इसे बहुत ही ख़राब रास्ते पर लेकर जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं तो भी आपको फील नहीं होगा। हाँ, बॉडी रोल एक इशू है क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है तो वो बॉडी रोल आपको फील हो जाएगा, और वो पेट्रोल में सरप्राइजिंगली थोड़ा ज़्यादा फील होता है, डीजल में वो वेल कंट्रोल्ड है। तो परफॉर्मेंस के मामले में गाड़ी का डीजल इंजन पेट्रोल वाले इंजन से हर मामले में बेहतर है। तो अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक वर्जन को पिक करना हो तो वो डेफिनेटली डीजल होगा। After spending good one day with this car, मैं एक confidence से बोल सकता हूँ कि ये टाटा मोटर्स के existing lineup में सबसे बेहतरीन कार्स में से एक है। Features के मामले में ये अपने से एक segment ऊपर की गाड़ियों को भी मात दे सकती है। Design काफ़ी unique है। जहाँ तक performance की बात है तो petrol ठीक ठाक है, improvement की गुंजाइश है। Diesel is definitely the car that you should look for. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आपको अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।